नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये तांबा भस्म बनाने का तरीका मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ। पहले भी कम से कम मैं 10-12 बार ये ही फार्मूला बता चुका हूँ और बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो बहुत सारे भाई फिर भी मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब, ये आपने इसकी भस्म बनाने का तरीका पूरा नहीं बताया, पूरा अच्छे से नहीं बताया। तो देखो मेरे भाइयों, इतनी डिटेल में मैं बताता हूँ, अगर इतनी डिटेल में बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको कभी समझ आ ही नहीं सकता। तो बाकी चलो कोई नहीं, बार बार कई जनों ने रिक्वेस्ट की तो मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, ये ध्यान से देखो, ये जंगली गोभी बूटी है, बहुत अच्छे से इसे देख लें। और जब ये इसे तोड़ते हैं तो ये जो दूध इसका निकल रहा है, ये हल्की छोटी सी बूंद दिख रही है, तो ये चमकीले से रंग की है, हल्के पीले रंग की। तो इसी तरीके का दूध इसमें से निकलता है और एक सेम ऐसी ही बूटी होती है इसके साथ की, उसमें से सफ़ेद दूध निकलता है, इसमें हल्का पीला निकलता है। अभी ये 2-3 दिन हो गए हैं, ये थोड़ी बांसी हुई पड़ी है बूटी, तो इस वजह से इसमें से दूध कम निकल रहा है और क्लियर दिख भी नहीं रहा है, और किसी किसी में तो निकल भी नहीं रहा है। बाकी दोस्तों, अब ये बूटी मैंने आपको दिखा दी है, अब इसका तरीका मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों, आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप 100 ग्राम 50 ग्राम जितनी भी आपको तांबे की भस्म बनानी है, 100 ग्राम से ज़्यादा ना बने, तो बाकी 20 ग्राम 50 ग्राम जितनी भी आपको बनानी उतना आप तांबा ले लें। तांबे को अच्छे से शुद्ध कर लें। तांबे को शुद्ध करने का तरीका दोस्तों ये है, तांबे के पत्रों को गर्म करके उसे आपको आग के दूध में बुझाना है, आग के दूध में बुझावा देना है। 50 बुझावे आग के दूध में, 50 बुझावे नींबू के रस में, और 50 बुझावे निरगुंडी के काढ़े में, ये देने हैं। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे तरीके होते हैं तांबे को शुद्ध करने के, आपके पास जो भी तरीका हो आप उस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इस तरीके से कर लें जो मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों, तांबे का आपको बुरादा बना लेना है और बराबर मात्रा में शुद्ध किया हुआ पारा ले लेना है। 50 ग्राम आपका मान लो तांबा है तो 50 ग्राम आप उसमें पारा ले लें, दोनों को आप एक खरल में डाल के घुटाई करें। जब ये पारा तांबे को खा जाएगा, मक्खन की तरह वो हो जाएगा, पिछली वीडियो दोस्तों मैंने बना रखी है, पूरी वीडियो बना रखी है किस तरीके से बनेगा, वो आप वीडियो देख लें, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो पारे और तांबे को जब मिक्स करेंगे तो ये मक्खन की तरह बन जाएगा। अब इसमें आपको इसी गोभी बूटी का रस डालना है, इसी गोभी बूटी का रस डाल डाल के आप तांबे को 10-10 किलो उपलों की आग देते रहें। और ये स्टेप दोस्तों आपको करना है 21 बार आपको आग देनी है। अब दोस्तों, इसमें अगर आप हर बार पारा देना चाहें तो आप हर बार पारा दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो खाली एक बार देना जरूरी है, उसके बाद इतना जरूरी नहीं है। अब दोस्तों, 21 आग जब आपकी पूरी हो जाएंगी तो ये आपका तांबा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे सुरमा बन जाता है, सुरमे की तरह, और कलर इसका हल्का लालगी लिए हुए होगा, जैसे लालगी लिए हुए गोल्डन कलर होता है उस तरीके का कलर इसका बनेगा, या कॉपर का कलर समझ लें, जैसे तांबे का कलर होता है उसी तरीके की ये भस्म बन जाएगी 21 आग देने के बाद। तो अब दोस्तों, इस भस्म को आपको आधे चावल की बराबर मक्खन या मलाई, ज़्यादा बेस्ट होगा मक्खन में खाएं, मक्खन में रख के खाना है आपको। और खाना खाने के बाद खाली पेट नहीं लेना। इसके अलावा इसके साथ दोस्तों दूध घी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, और खाली दिन में एक ही टाइम ये भस्म खानी है, कुल 7 खुराकें आपको खानी है। पुरानी से पुरानी शीघ्र पातन न मरदी, जड़ से खत्म हो जाएगी, कितनी भी पुरानी हो कितनी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। और कम से कम दोस्तों इस चीज का असर, इस भस्म का असर शरीर में 20 साल तक रहेगा, रंग आपका गुलाब की तरह खिल जाएगा, आपके अंदर बहुत ज्यादा सेक्स पावर पैदा हो जाएगी, बहुत ज्यादा आपके शरीर में ताकत आ जाएगी, बहुत ज्यादा आपका शरीर मजबूत हो जाएगा, आप कई कई बार सेक्स कर सकते हैं, कई कई स्त्रियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं और उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं, और
इसके अलावा दोस्तों जो भी स्त्री आपके साथ सेक्स करेगी इस फार्मूले को खाने के बाद, तो यह समझ लें वो जिंदगी भर के लिए आपकी गुलाम बन जाएगी। इस तरीके का यह फार्मूला है, इतना शानदार यह फार्मूला है, तो आप इसे इस्तेमाल करें, इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।